top 10 private bee schools in India. Our focus is on cutting edge domain knowledge and benchmarking with world-class businesses. Big Tech, excellence with values. हेलो हाँ आपको देख बेसिकली क्या है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो ये निर्णय लिया है, दिस इज वन ऑफ द टफेस्ट एंड मोस्ट डिजायर्ड डिसीजन. ब्लैक मनी को खत्म करने का और कोई तरीका नहीं था हमारे देश में. जितने भी भ्रष्टाचारी लोग हैं उनके पास बड़े डिनोमिनेशन के जो नोट हैं 500 और 1000 के, उन्हीं में ये सारी करेंसी रखी गई है. यहां पर जितने भी लोग आए हुए हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि चाओस क्रिएट करने की कोई आवश्यकता नहीं है. जिन भी लोगों ने बैंक से ट्रांजैक्शन किया है और उन्होंने वो पैसे निकाले हैं, जैसे आज मेरी ही फैमिली ने 20,000 रुपए एटीएम से निकाले हैं, गवर्नमेंट बैंक जब ओपन होंगे एक ब्लॉक डेट देगी और उस ब्लॉक डेट में इस करेंसी को चेंज कर दिया जाएगा. जहां तक सवाल इस बात का है कि 500 और 1000 के नोट नहीं चलेंगे, 500 और 1000 के नोट अगर आप एक सैलरी वाले हैं, छोटे बिजनेसमैन हैं, या यदि आप फेरी वाले हैं या आप ठेल लगाते हैं, उन सबके पास हैं. प्रधानमंत्री या देश की सरकार कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिसमें आम पब्लिक को परेशानी हो. सारे नोट प्रचलन में रहेंगे, लेकिन ये नोट बैंक लेकर के वापस आपको दूसरे नोट देगा, जिससे जो ब्लैक मनी अथा जिन लोगों के भ्रष्टाचारियों के पास रखी हुई है वो कागज के टुकड़े हो जाएं, ना कि आम आदमी के. आम आदमियों को ये दिक्कत जरूर हो सकती है कि इस वक्त अगर आप किसी को 500 या 1000 का नोट दे रहे हैं तो उसको ऐसा लगेगा कि मैं इसको लूं या ना लूं, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है. वो नोट जब आप जाकर के अपने बैंक में देते हैं तो वो नोट वापस होगा और जो नए प्रचलन में नोट आएंगे वो आपको मिलेंगे. नहीं, 45%. ऐसा है, सरकार ने आपको 6 महीने का टाइम दिया कि आप अपनी ब्लैक मनी को घोषित करें और 45% टैक्स देने के बाद 55% वो आपका हो जाता है. जनरली जो इनकम टैक्स का हाईएस्ट स्लैब रेट है वो 33% है. 12% आप पर एक तरह से पेनल्टी लगा करके वो 45% आपको जो है वो दिया गया था. 6 महीने देने के बाद भी यदि लोगों ने वो पैसा नहीं निकाला तो उसके बाद सरकार के पास और कोई चारा नहीं बचता है बजाय इसके कि वो उस मनी को प्रचलन से बंद कर दे. जी, इस समय जो आम आदमी टेंशन में आ गया है कि 1000 और 500 का नोट एटीएम से निकाले, या अगर कहीं आदमी फंसा हुआ है रेलवे स्टेशन पे है, कहीं भी है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री ने अभी घोषणा की है कि यदि आप रेलवे स्टेशन पे भी फंसे हुए हैं तो 11 तारीख तक
ये 500 और 1000 के नोट जो आपके पास है उससे आप टिकट ले सकते हैं। जो आदमी टिकट ले चुका उसके बाद सफर करने जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने अभी कहा है कि जिन लोगों के पास ये नोट है और उसकी एक मात्रा तक है 10,000, 20,000 जो भी वो निर्धारित करेंगे उनके वो नोट वापिस होंगे, चेंज होंगे। ठीक है, अभी एक दो दिन पब्लिक को दिक्कत होगा, बाकी मेरे को लगता नहीं कि जो लोग सही है वो सिर्फ साइड है, जो गलत है उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। नहीं, ज्यादा दिक्कत मेरे ख्याल से आनी नहीं चाहिए, एक दो दिन थोड़ा सा जो जनरल अपने यूसेज जो है वो थोड़ा सा कंट्रोल में रखना पड़ेगा। बाकी लोग इतना तो बैकअप लेके चलते ही हैं कि एक दो दिन निकाल सकते हैं, और उस 90% कारोबारी आज की डेट में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन पे ही बिलीव करते हैं। आप किसी भी कारोबारी से पूछ लीजिए, मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है वो बैंक गए हुए उनको साल साल भर हो जाते हैं। हाँ ठीक है, फैसला सही है, मोदी जी का फैसला सही है, बाकी देखिए आगे क्या होता है। बढ़िया फैसला है, अच्छा है, इससे ब्लैक मनी जितना है बाहर निकलेगा और हम लोग को नंबर एक वाले हैं, जो थोड़ी बड़ी सुविधा है उसको कोई दिक्कत नहीं, बट इससे महंगाई भी बहुत कम हो जाएगी, चीजों के रेट भी कम होंगे और ये काफी अच्छा निर्णय है। हाँ थोड़ी बहुत असुविधा होती है जब कोई अच्छी कुछ चेंज होता है, कुछ परिवर्तन होता है, हर चेंज के लिए हम लोगों को रेडी होना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा न्यू जनरेशन है, हम लोग को थोड़ा सोच समझ के काम करना चाहिए, इतना हड़बड़ी नहीं मचानी चाहिए किसी चीज को लेके, इसी मोड में जाके थोड़ा सा काम करके थोड़ा सोच समझ के करना। देखिए सबकी जमा पूंजी है किसी के पास, हम लोग मीडियम क्लास वाले हैं, थोड़ा बहुत पैसा हर कोई आदमी घर में रखता है, अभी खर्चे पाने के लिए चाहिए तो फिर कहाँ से करेगा, तो सबके पास 500 का नोट तो आजकल बहुत आम चीज होती है। सिक्के का पहलू अगर हम पलट कर देखें तो हम ये कह सकते हैं कि लोग घबराए हुए हैं, बट ये दो तीन दिन में एक नॉर्मल कंडीशन आ जाएगी, इसमें कोई वो नहीं मुझे लगता है। और थोड़ी सी नॉलेज लाइन वाला।